सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और ये जो हमारी वर्कशीट है ये वर्कशीट जो है 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। आज की हमारी वर्कशीट का जो विषय है वो है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो चलिए जो है हम अपनी वर्कशीट को जो है शुरू करते हैं। आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। हम सभी ने देखो पैमाना देखा होगा, स्केल देखा होगा ध्यान से, और स्केल पर जो है काउंटिंग यानी गिनती लिखी होती है। और जैसे कि यहाँ से 0 से लेके और ये पूरी जो है स्केल में कहाँ तक लिखी है, यहाँ पर 15 तक गिनती लिखी हैं। लेकिन हमें और यहाँ पर गिनतियों के बीच में देखो बहुत सारी लाइनें हैं। ये लाइनें किस चीज़ को डिनोट कर रही है इस चीज़ के बारे में अभी हम समझेंगे, ठीक है। पैमाने को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक सर्कल किया हुआ है और सर्कल 1 और 2 के बीच, 1 और 2 को जो है सर्कल किया हुआ है और बताया गया है 1 और 2 के बीच में जो संख्याएँ होती हैं उसको जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। देखो 1 और ये 2 इनके बीच में जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइनें जो छोटी छोटी लाइनें नज़र आती हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो 1 के बाद जो 1 लाइन आती है उसका मतलब होता है 1.1, फिर जो दूसरी लाइन होती है 1.2, फिर तीसरी लाइन 1.3 और ये चौथी लाइन जो होती है 1 के बाद में 1.4, पाँचवीं लाइन होती है 1.5 और छठी लाइन जो होती है 1.6 और जो सातवीं लाइन होती है 1.7, आठवीं लाइन 1.9 और जो नौवीं लाइन है, जो आठवीं लाइन है 1.8 और जो नौवीं लाइन है 1.9 और फिर 2। तो 1 और 2 के बीच में ये जो लाइनें होती हैं। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3 आ जाता है। इसी तरीके से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, इसी प्रकार से ये क्रम जो है चलता रहता है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। यानी ये जो पैमाना है, इस पैमाने पर जो है कौन कौन सी संख्याएं जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे स्केल आपको लेना है और उसको देखना है कि उस पर जो है आपके स्केल में आपको कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं उसको आपको कॉपी में नोट करना है कि आपको कौन कौन सी संख्याएँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो सभी संख्याओं को जो है आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे की सारी संख्याएं जो है हमें नज़र आ रही हैं और इसके बीच में जो संख्या है उनको भी जो है यहाँ पर लिखा गया है 1.1 और 1.2, यानी 1 और 2 के बीच की संख्याओं को यहाँ पर लिखा गया है। तो पैमाने पर आपको कौन कौन सी संख्याएँ नज़र आ रही हैं उन संख्याओं को आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं। वो जो लाइनें मैंने बताई ना सीधी सीधी, कुल 9 निशान हैं। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी संख्याएं नज़र आ रही हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो निशान नज़र आ रहे हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया 1, 1 के बाद जो निशान नज़र आ रहे हैं उसको हम कैसे लिखते हैं। जो 1 के बाद हमारा पहला निशान होता है, जो पहली लाइन होती है उसको हम लिखते हैं 1.1। तो 1.1, अब देखो पॉइंट हटाना है, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, 1 लगा के 1.0, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पॉइंट क्या होगा हमारा हट जाता है। तो कैसे लिखते हैं पहला निशान 1.1 को, ये हो गया 11/10। दूसरा जो निशान होगा यानी दूसरी जो लाइन होगी वो हो जाएगी 12/10।
12 बटे 10 क्यों होगी, इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि बेटा 1.2 है वो। अब हमें पॉइंट हटाना है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हम एक जीरो लगाते हैं एक के बाद में, ठीक है। अगर दो संख्या के बाद पॉइंट होता है तो दो जीरो लगाते हैं एक के बाद में, तो यहाँ पर तो एक ही संख्या के बाद पॉइंट है तो हम जो है एक जीरो लगाएंगे, 10 को ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब तीसरा निशान कैसे लिखेंगे, तीसरा भी क्या होता है 1.3, 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं 13/10 लिख सकते हैं। अब चौथा निशान जो चौथी लाइन होती है तो उसको 1.4 यानी 14/10 हम जो है लिख सकते हैं, और जो पांचवा निशान है पांचवी लाइन है उसको 15/10। इसी तरीके से आपको 9 के 9 लिखने हैं, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है। जो छठा निशान है उसको हम 16/10, और जो सातवां निशान है 17/10, आठवां जो निशान है 18/10, और जो नौवां निशान है 19/10। ये जो है एक और दो के बीच की संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्याएं हैं, तो हमें पता होता है जो संख्या पी और बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और ये संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर है, अतः एक और दो के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो हमने देखा एक और दो के बीच में, देखो यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये रहा एक, और यहाँ पर आपको दो नज़र आ रहा है, ये दो है। इसके बीच में जो टोटल संख्याएं हैं कितनी हैं, वो हैं 9 संख्याएं, और यहाँ पर भी लिखा है कि एक और दो के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, 9। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि एक और दो के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 9 संख्याएं हैं। चलिए आगे आते हैं, अब यहाँ पर देखो परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्या वो होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। यहाँ पर 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, और फिर यहाँ पर आगे दिया हुआ 19/10, और फिर 20/10। तो ये तो 20/10 यानी ये एक और दो के बीच की संख्याएं हैं, ठीक है। अगर हम इनको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो दशमलव के रूप में भी हम इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे, देखो एक जीरो है तो एक पॉइंट यानी एक के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एक जीरो है तो एक के पॉइंट बाद जो है पॉइंट आ जाएगा यानी 1.2। यहाँ पर देखो एक जीरो है तो 1.3, एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.4। तो सभी में ऐसे ही करना है आपको, अगर एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं यानी कि ये पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो 16 है, नीचे 10 है तो एक के बाद आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल रेखा पर दिखा सकते हैं, यानी दशमलव संख्या और परिमेय संख्या को हम स्केल रेखा पर आसानी से दिखा सकते हैं। यानी अगर हम निशान को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर स्केल पर अगर हम देखेंगे तो एक के बाद जैसे हमने ऊपर देखा था, बेटा जरा देखो एक के बाद में जो अगली लाइन होती है वो उसे 1.1 कहते हैं, तो ऐसे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम उपरोक्त संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं 1.4। यहाँ पर देखो 1.4 पर इन्होंने सर्कल किया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, देखते हैं जरा, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, 1.4 को लिया हुआ है। यहाँ देखो 1 नज़र आ रहा है बेटा आपको, 1 और ये 2 नज़र आ रहा है, 1 के बाद में जो है 4 लाइन है, यहाँ देखो यहाँ पर एरो लगा के बिल्कुल दिखाया गया है, 1 के बाद में इन्होंने 4 लाइनें ली हैं, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, यानी 1.4 ये जो चौथी लाइन है इसको कैसे लिखा है, 1.4 के रूप में। अगर P बटे Q के रूप में लिखना है ना इसको 1.4 को, तो हम क्या करेंगे, बटे में
एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो लगा देंगे और एक लिख देंगे, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है ना बेटा। तो हम इसको फिर क्या रह जाएगा, 14/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, यहाँ पर दिखाया है 1.4 को दिखाया है, स्केल पर 1.4 को इन्होंने दिखाया है। चलिए अब जो है आगे वर्कशीट को समझते हैं अच्छे से, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो है कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये देखो संख्या दी है 1.7। इसको अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो भाई देखो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। अगर दो के बाद पॉइंट होगा तो 100 लिख देंगे। तो क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो 17/10, क्योंकि पॉइंट हट जाता है बेटा। जब भी हम क्या करते हैं, ये जो ये यहाँ पर पॉइंट होता है और हम इस पॉइंट को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे और 10 और एक तो लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। तो 17 बन गया, 17/10। और यहाँ पर स्केल में इसका मतलब क्या है, ये संख्या, इस संख्या का जो स्थान है वो अगर हम स्केल पर देखेंगे, यहाँ पर संख्या रेखा पर इसका अगर हम निरूपण देखेंगे तो ये एक और दो के बीच में है। और कौन सी लाइन है, एक और दो के बीच की 1.7 वाली लाइन है, 1.7 वाली ये लाइन है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया 3.3, इसको बटे के रूप में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, 33/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए 10 लिखते हैं नीचे। तो ये 3 और 4 के बीच में है, ये स्केल में कहाँ पर आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2.8, तो यानी कि इसका पॉइंट हटाना है तो 10 लिख देंगे बटे में, 28/10, स्केल में कहाँ पर आएगा, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। चलिए स्केल में मैं आपको दिखाई देता हूँ 2 और 3 के बीच में ये कैसे आएगा। ये देखो यहाँ पर ये स्केल है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी लाइन है, इन लाइनों के बीच में वो आएगा, कौन सा, जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 8, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है 4.3, इसको क्या हो जाएगा, 43/10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 4 और 5 के बीच में है। अगर होता हमारा 5.5 तो हम इसको कैसे लिखते, 55/10, और ये 5 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर संख्या रेखा पर हम इसको निरूपण करना है। संख्या रेखा पर भी हम इसको निरूपण कर सकते हैं, कैसे, हमें हम जो है हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर स्केल के माध्यम से, और जैसे कि ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर क्या है, 4 लिख देंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है, कितनी है, 3.3, यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा 3.1, ये हो गया हमारा 3.2, ये हो जाएगा हमारा 3.3, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3.3। इसको हमने यहाँ पर संख्या, इसको जो है यहाँ पर इसका संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। एक और बार बेटा समझ लो, ध्यान से समझ लो कॉन्सेप्ट को एक और बार, कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना है। आपको एक लाइन खींचनी है, ये जो संख्या है जैसे कि 2.8 या फिर जो है 3.3 है, जो 3.3 संख्या है वो किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। अब स्केल में इनके बीच में लाइनें होती हैं ऐसी वाली, छोटी 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 बहुत सारी जो हैं ये लाइनें होती हैं, ठीक है। अब ये लाइनें जो डिनोट करती हैं, ये डिनोट करती हैं जैसे कि 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। तो हमें तो क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर 3.3 डिनोट करना है। यहाँ पर जो है जगह नहीं है तो इसलिए मैंने बस इतना ही लिखा 3.3 तक। तो हम क्या करेंगे फिर, उसको इस तरीके से
सर्कल कर देंगे 3.3। इस तरीके से हमने इसको संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया। तो आप भी जो है लाइन खींच के अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनको जो है संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? तो इस प्रकार जो है मैंने आपके साथ में जो है मैथ की वर्कशीट जो है डिस्कस की है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो जो आपको समझ में आई होगी और जो है पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।